अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर, और किचन विद कौसर में आज आलू वाले नान बनने लगे हैं, बहुत ही मज़ेदार। और इसमें ना ईस्ट डलेगा और ना ये तंदूर पे बनेंगे, और ये कौसर के किचन में बनेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाए हैं। मैदा लिया है मैंने 2 कप, और इसको छान लिया था, और नमक डाल देंगे इसके अंदर हसबे ज़रूरत, तो 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें। और ये बेकिंग सोडा है 1 टीस्पून, ये डाल देंगे इसके अंदर। बस इसमें 2 चीज़ें जाएंगी और कुछ नहीं जाएगा। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी से इसको गूंद लें। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको डालें और गूंद लें आटे की तरह। तो ये सारा गूंद के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें मैंने गूंद लिया है, बहुत अच्छा सा गूंद चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। तो आलू लिए थे मैंने, और मैंने आलू लिए थे 1/2 किलो, और इनको बॉईल करके छील लिया था। तो आप भी इस तरह तैयार रख लें अपने पास। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, और इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाते। और कुटी मिर्ची डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और इसमें धनिया डाल देंगे बहुत सारा, आपने देखा होगा तंदूर पर बहुत सारा ये लोग हरा धनिया डालते हैं। तो इसमें आप अगर चाहें तो ये जो होता है ना साबुत धनिया, वो कूट के डाल दें। तो मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चों के दांतों में फंसता है, तो बड़ा तंग करते हैं मुझे। तो मैंने सिर्फ नमक और मिर्च डाला है। इसी से इतना यकीन करें टेस्ट आएगा ना कि आप कहेंगे ज़बरदस्त कमाल हो गया। तो ये मैं इसको मैश कर लूँगी मैशर की मदद से, और ये सारा मैश हो गया है। तो इसको मिक्स कर लें स्पैचुला की मदद से। और ये देखें बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो गया है, और उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया है। तो अब क्या करेंगे, हम बना लेते हैं पेड़े। तो पहले आटा देखते हैं। आटा हमारा एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है, तो इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा आटा डस्ट करेंगे और सारा आटा निकाल लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा आटा लगा के सेट कर लेते हैं, और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बनेंगे हमारे 4 पेड़े। और कटिंग हो चुकी है, और पेड़ा उठाएंगे इस तरीके से, पेड़ा बना लेंगे जैसा नॉर्मल घर में पेड़े बनते हैं। तो इस तरीके से आप 4 पेड़े बना लें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये 4 पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये साइड पे कर देंगे और एक पेड़ा उठाएंगे। इसको हम थोड़ा सा आटा डस्ट करके बेल लेंगे। तो थोड़ा सा हमने इसको बड़ा रोटी की शक्ल देनी है, ताकि ये जो है ना इसके अंदर आलू सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, ये देखें इतनी बड़ी कर लें। अब आलू रखेंगे इसके अंदर हसबे ज़रूरत। तो आलू ज़्यादा रखने, कम नहीं रखने, और इसको हम पैक कर लेंगे। तो चारों तरफ से इस तरह घुमा घुमा के पैक कर लें। और हल्के हाथों से इसको इस तरह दबा लें, सेट कर लें। तो इसको हम बेल के भी अब दिखाएंगे। थोड़ा आटा डस्ट करेंगे पहले, और हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा फैला लें। तो अब बेलने की मदद से इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। आपने इसको गोल नहीं घुमाना, लंबी शेप में इस तरह करना है जिस तरह तंदूर वाले करते हैं। तो फिर दूसरी साइड से भी उठा के इसको इस तरह बड़ा कर लेना है। तो एक साइड पे पानी लगाएंगे, और दूसरी साइड पे हाथों की मदद से उंगलियों से इस तरह निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो फोक की मदद से भी निशान लगा सकते हैं, तो मैं उंगलियों से निशान लगा रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही बनेंगे तंदूर जैसे। ये देखें फोक से लगाना चाहते हैं फोक से लगा लें। अब इसको हम साइड चेंज करेंगे, ब्रश की मदद से पानी लगाएंगे। सब में अच्छी तरीके से पानी लगा दें,
और तवा हमारा तेज़ गरम होना चाहिए, ये फिर रोटी चिपकेगी वरना रोटी चिपकेगी नहीं अगर स्लो आँच पे आपने हल्का सा गरम किया होगा। तेज़ गरम होना चाहिए। एक तरफ मैंने फ्राई पैन रखा है, मेरा पुराना फ्राई पैन है, तो इसको भी मैं यूज़ में लेकर आती हूँ। जब इसको मैंने पकाने हो नान, तो तवे पे मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा हमने इसको स्लो कर देना है ताकि अंदर से अच्छा सा पक जाए। और इसको मैंने 2 मिनट तवे पे रखा है। अब क्या करेंगे, इसको उठा के हम फ्राई पैन में उल्टा कर देंगे, तवे को उल्टा कर दें इस तरीके से। तो ये फ्राई पैन हमारा फुल गर्म था, इसको गर्म होना चाहिए फ्राई पैन को, और उसके धुएं से देखें ये ऊपर से भी पक चुका है। तो अब फ्राई पैन हटा के चूल्हे की मदद से हम थोड़ा थोड़ा इसको सेक लेंगे ताकि वैसी ही शक्ल बन जाए तंदूर वाली। तो इस तरह घुमाते जाएँ और इसको सेकते जाएँ। देखें क्या ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही गज़ब का नान बना है। और साइडें इसकी अगर कच्ची नज़र आ रही हैं तो आप साइडों को इस तरह सेक लें इस तरीके से। क्या क्रंच बनाया, और देखें शक्ल भी, वाह ज़बरदस्त। VIP हमारे नान रेडी हो गए हैं, बाकी भी इस तरह बना लें आप। और ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेते हैं, तो सारे नान को ऑयल लगा लेते हैं या मक्खन लगा लें आप जो भी है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही VIP नान हमारे रेडी हो गए हैं। आप इसको रायता बना के रायते के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा यकीन करें। थोड़ा सा हरा धनिया लहसुन पीस के रायते में मिक्स करें, नमक डालें, बहुत मज़े का रायता बनेगा। और मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।